हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप सिंगर ट्रेडिशन 2250 इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन में आप कैसे पीको कर सकते हैं, इसकी बॉबिन को हम कैसे फिल कर सकते हैं और इसमें थ्रेड कैसे डाला जाता है। सिंगर इलेक्ट्रिक मशीन में आप इजीली पीको कर सकते हैं और इसे यूज करना भी बहुत ही ईजी होता है। इस सिंगर मशीन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चाहे उसे भी देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो इस मशीन को हमें कैसे यूज करना है और इसमें हम पीको कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बॉबिन को फिल करेंगे। मशीन की लेफ्ट साइड में यहाँ पे बॉबिन केस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बॉबिन केस को बाहर निकाल लेंगे। इसे बाहर निकालना बहुत ही ईजी है। हमें मशीन के साथ ही 2 से 3 बॉबिन मिलती है, तो अब हम इसमें से पहले वाली बॉबिन को हटा के दूसरी बॉबिन में थ्रेड फिल करेंगे। तो चलिए इसके बॉक्स को अभी मैं बंद कर देती हूँ। तो इसमें बॉबिन फिल करना बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप नंबर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें रील को अटैच करना है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे हमें थ्रेड को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम रील को यहाँ पे लगा देते हैं। अब रील के आगे हम यहाँ पे स्टॉपर को भी लगा देंगे ताकि रील हमारी बाहर ना निकले। तो सबसे पहले हम थ्रेड को 1 नंबर के हुक पे यहाँ पे फंसा देंगे और थ्रेड को इस लूप से लेते हुए यहाँ पे 2nd नंबर पे हमें आना है। 2nd नंबर पे आने के बाद हमें यहाँ पे बॉबिन अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ पे बॉबिन को ले लिया है। आप देख सकते हैं कि बॉबिन में यहाँ पे होल है, तो हमें इस थ्रेड को होल में ऐसे डाल के ऊपर की ओर निकालना है। अब हम बॉबिन को बॉबिन वाइंडिंग स्पिंडल में अटैच कर देंगे। अब हम बॉबिन को राइट साइड में पुश करके इसे लॉक कर देंगे। ऐसा करने से हमारी नीडल ऊपर नीचे नहीं होगी, एकदम सिक्योर हो जाएगी। बस आपको अपने पैरों से फुट कंट्रोलर को प्रेस करना है और जो थ्रेड है वो बॉबिन में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको जितना थ्रेड बॉबिन में फिल करना हो उसको फिल करके आप फुट कंट्रोलर को बंद कर दें। अब बॉबिन फिल हो चुकी है, तो हम वाइंडिंग स्पिंडल को वापस से लेफ्ट में पुश करके बॉबिन को निकाल लेंगे। अब हम बॉबिन को बॉबिन केस में लगा के वापस से मशीन में फिट कर देंगे। बॉबिन को हमने फिल कर लिया है। अब हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मशीन में धागे को कैसे डालते हैं। तो रील यहाँ पहले से ही लगी हुई है। तो सबसे पहले हमें धागे को यहाँ पे 1 नंबर के हुक में फंसा देना है। उसके बाद हम धागे को नीचे की तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर में अटैच कर देंगे। 3 नंबर के बाद हम धागे को यू टर्न लेते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे और धागे को 4 नंबर के लूप होल में डाल देंगे। अब 4 नंबर के लूप होल से धागे को निकालते हुए हम धागे को नीचे की ओर लाके 5 नंबर में डाल देंगे। बस इसके बाद हमें धागे को निडिल में पिरो देना है। धागे को सुई में पिरोने के बाद हम इसे फुट के नीचे की ओर लाके इसे पीछे की ओर छोड़ देंगे। तो धागे को भी हमने सुई में डाल दिया है। अब हम सीखते हैं कि इसमें पीको कैसे करेंगे। पीको करने के लिए हमें एक अलग से फुट दिया गया है, तो हम इसे भी अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले फुट को मशीन से निकाल लेंगे। इसे भी लगाना और निकालना बहुत ही ईजी है। इसके लिए मशीन के पीछे जो प्रेशर फुट लिफ्टर दिया गया है उसको हम ऊपर की ओर उठा देंगे। अब इस प्रेशर फुट को हम पीछे की ओर पुश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा फुट ईजिली बाहर निकल आया है। तो पहले वाले फुट को हम बाहर निकाल के अलग रख देंगे। अब हम पीको फुट को प्रेशर फुट में अटैच करेंगे। अब हम पीको फुट को प्रेशर फुट के एकदम सीध में रख देंगे। फुट को हमें एकदम सही पोजीशन पे रखना है। अब हम प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की ओर पुश करेंगे। अब हम वापस से लिफ्टर को उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि पीको फुट अच्छे से अटैच हो चुका है। तो अब हम पीको की सेटिंग्स कर लेते हैं। तो लेंथ को हमें 0 से 1 के बीच में ही रखना है और स्टिच पैटर्न डायल को हमें जिगजैग के पैटर्न पे सेलेक्ट कर देना है। तो अब मैंने यहाँ पे एक साड़ी ले ली है जिसमें कि मैं पीको करूँगी, तो इसके जो कुछ रेशे निकले हुए हैं उसको मैं कट कर दूँगी। अब हमें इस साड़ी के किनारे को प्रेशर फुट के नीचे दबाना है। हमें साड़ी के किनारे को प्रेशर फुट के अंदर कुछ इस तरह से दबा लेना है कि लगभग 1/2 इंच कपड़ा इस पीको फुट के अंदर आ जाए। अब हम फुट कंट्रोलर को चलाएँगे। पीको करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम पीको करेंगे तो पीछे से और आगे से कपड़े को थोड़ा सा खींचेंगे। तो हम थोड़े थोड़े कपड़े को खींचते हुए पीको करना स्टार्ट करेंगे।
आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में ही कपड़े को पकड़कर मशीन को चलाएं, एक ही बार में सारे कपड़े में पीको ना करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों तरफ से कपड़े को खींचते हुए पीको कर रही हूँ। बस इसी तरह से हमें पूरी साड़ी में पीको कर लेना है। साड़ी में पीको हो चुका है तो अब हम एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पीको में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है, हमारी साड़ी पीको हो चुकी है। तो इस सिंगर ट्रेडिशन 2250 इलेक्ट्रिक सिंग मशीन से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इससे पीको भी कर सकते हैं, इससे आप अलग अलग तरह की स्टिचेज भी कर सकते हैं, इससे आप काज और बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस मशीन से रफू भी कर सकते हैं और इस मशीन को यूज करना भी बहुत ही ईजी है। तो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बगल में लगी घंटी बजाकर ऑल के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सकें। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।